बीपीएससी प्रोटेस्ट के बाद भी पटना का माहौल गर्म। अचानक हॉस्पिटल पहुंचे खान सर। खान सर के मुंह में ऑक्सीजन मास्क, हाथ में लगी ड्रिप, सच्चाई बयां कर रही ये तस्वीरें। खान सर की तबीयत बिगड़ने से छात्र परेशान, आज ही पुलिस ने किया था रिहा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले खान सर की तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार को उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक खान सर को डिहाइड्रेशन और बुखार की वजहें सामने आई हैं। आपको बता दें कि खान सर शनिवार को पटना में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हुए बदलावों को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वो कई घंटों तक छात्रों के साथ टिके रहे थे। इसी बीच खबर आई कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। पुलिस स्टेशन ने उनकी तस्वीरें वायरल हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने पुष्ट किया कि सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह फैलाई गई है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। अगर बात करें खान सर के इस वक्त की हालात की, तो उनकी तस्वीरें आईसीयू वार्ड से वायरल हो रही हैं। खुद इसकी पुष्टि एक निजी हॉस्पिटल डॉक्टर ने की है। डॉक्टर सतीश के मुताबिक खान सर का शरीर काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें सलाइन चढ़ानी पड़ रही है। हालांकि डॉक्टर ने अच्छी खबर दी है कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं खान सर ने क्या कुछ कहा था प्रदर्शन के दौरान, जो वीडियो जमकर वायरल हुआ था। जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे तीन पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं, सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे, बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात की है आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें यहाँ पे? हम लोग को मजबूर किया गया, एक हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि एक हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम एक पेपर एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए यहाँ पर? आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है आप समझिए, आप लोग के भी बच्चे यही पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग NCL को मनवा के गए थे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।